Another question is, write the tabular form of set हमें दिया हुआ है, डी सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन 5, वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो उसकी टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंट करनी है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, इसमें जो है इस कंडीशन को जब हम लिखते हैं तो माइनस 5 लेस देन एक्स माइनस टू और लेस देन 5 वेयर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल N। यहाँ पे हमने मॉड की प्रॉपर्टी यूज़ की, मॉड की प्रॉपर्टी एक्स लेस देन ए है, तो दैट इज़ माइनस ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन ए, दिस प्रॉपर्टी वी हैव ऑलरेडी यूज्ड है। जब भी मॉड इस तरह की फॉर्म में हो आपके पास, तो माइनस 5 ए के प्लेस पे था 5, तो माइनस 5 और पॉजिटिव 5 दोनों के बीच में एक्स की वैल्यूज लाई करेंगी, तो अनदर स्टेप क्या होगा, एक्स लेस देन माइनस 5, दिस टू इज़ एडिंग, वी वॉन्ट टू रिमूव दिस टू फ्राम हेयर माइनस टू, तो वी आर एडिंग पॉजिटिव टू ऑन द बोथ साइड, पॉजिटिव टू जब ऐड करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी एक्स माइनस टू प्लस पॉजिटिव टू और लेस देन 5 प्लस 2 वेयर एक्स बिलोंग्स टू एन, तो ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगी, एक्स सच दैट 5 माइनस 2 माइनस 3 रह जाएगा, लेस देन यहाँ पे एक्स रह जाएगा ओनली, और 5 प्लस 2 दैट इज 7 वेयर एक्स बिलोंग्स टू एन, दिस कंडीशन इज कमिंग टू अस, तो ये कंडीशन हमारे पास बन जाएगी यहाँ पे। तो एक्स की दो वैल्यूज होगी, 3 माइनस 3 और 7 होगी, उनके बीच की वैल्यूज लिखनी है जो इसमें लाई करती हैं, तो डी सेट इज कंटेनिंग विच आर एलिमेंट्स माइनस 2 देन और पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए सारे के सारे, सॉरी नेचुरल नंबर्स लेने हैं तो नेचुरल नंबर्स लेने के लिए तो नेगेटिव 2 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होगा, व्हाई, बिकॉज नेगेटिव 2 इज़ इंटीजर्स, तो फर्स्टली वी आर राइटिंग नंबर विच इज़ 1 होगा इसके अंदर, 2 हो सकता है, अनदर इज़ 4 देन 5 और देन 6, नेगेटिव नंबर्स हमने नहीं लेने, दैट्स द टेबुलर फॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ सेट 1, 2, 4 एंड 5 एंड 6। सो अनदर टाइप इज समटाइम्स क्वेश्चन विल बी कमिंग इन डिफरेंट मैनर, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स, एम्प्टी सेट देखना है कि कौन कौन से सेट्स एम्प्टी हैं या नहीं हैं। क्वेश्चन इज एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स आर, तो अगर हम यहाँ देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो एक्स स्क्वायर रियल नंबर्स में जो बिलोंग करता हो और उसका स्क्वायर करें और वो माइनस 3 आंसर दे, तो देयर इज़ नो एलिमेंट्स देयर, इट मींस आंसर इज 5, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो 5 इज़ देयर, तो इट्स नल सेट और नॉट, यस इट इज़ ए एम्प्टी सेट, बिकॉज अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर देखें कि क्यों एफ आई आया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास था माइनस 3 और दिस इम्प्लाइज एक्स बिकम्स क्या हो जाएगा प्लस माइनस नेगेटिव ऑफ 3, दिस एक्सप्रेशन इज कमिंग टू अस, दिस इज नॉट ए रियल नंबर्स, अभी हमने पिछला चैप्टर किया था कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये इमेजिनरी पार्ट बन जाता है, रियल नंबर्स नहीं है, इट्स नॉट ए रियल नंबर्स, तो इट इज़ 5, कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है इसमें जो रियल नंबर्स हो, दैट्स 5, तो इट्स एन एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट होगा।
नेक्स्ट इज अनदर वन एग्जांपल इज एक्स सच दैट एक्स लेस देन वन एंड एक्स ग्रेटर देन फाइव वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर कैपिटल आर. दिस इज एग्जांपल एक्स सच दैट एक्स लेस देन वन. हम लेस देन वन की बात कर रहे हैं तो लेस देन वन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे अगर देखें और वो एलिमेंट फाइव से छोटा भी होना चाहिए बड़ा भी होना चाहिए और वन से छोटा. तो वन से छोटे एलिमेंट्स तो अगर देखें रियल नंबर्स में कौन से आएंगे, कोई है ऐसा? नो, फाइव. तो और फाइव से ग्रेटर तो हो सकते हैं बट कॉमन नहीं है इन सेट में कोई भी एलिमेंट्स. तो दिस इज़ एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट फाइव, इसको फाइव बोलेंगे बिकॉज देयर डजेंट एग्जिस्ट एनी रियल नंबर. कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता विच इज़ लेस देन वन एज वेल एज वन से लेस भी हो और ग्रेटर देन फाइव. ग्रेटर देन फाइव. सो इसलिए ये कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट फाइव. और अनदर टाइप क्वेश्चन इज फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स. इक्वल सेट्स के पेयर देखने हैं. सपोज वी हैव ए सेट. ए सेट इज इक्वल टू ज़ीरो एंड बी सेट इज कंटेनिंग एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 15 एंड एक्स लेस देन 5 एंड सी इज कंटेनिंग एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो. Another is D. D set is containing X such that X square is equal to 25. So here is we are seeing A is already 0. B की बात करें तो B set की अगर solution देखें तो B set में कौन से element आएंगे? वो element चाहता है जो 15 से बड़े भी हों और less than 5 भी हों. तो 15 से बड़े और लेस देन 5 ऐसे कोई भी इनमें कॉमन एलिमेंट्स नहीं है. इट मीन्स दैट इज़ 5. इस सेट में 5 एलिमेंट्स होंगे. नाउ सी सेट की बात करें, अगर सी सेट में देखें तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है. तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 में ओनली अगर x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखें तो यहाँ पे ओनली 5 एलिमेंट आएगा. नाउ द सेट डी. डी सेट की बात करें तो डी सेट में हमारे पास यहाँ पे x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है. तो अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं तो इट गिव्स ए टू वैल्यू दैट इज़ माइनस 5 और 5. इस सेट में ये एलिमेंट्स होंगे. तो ये एलिमेंट्स में देखा जाए तो ए सेट में हमारे पास था ए इज़ ऑलरेडी इक्वल टू 0. क्या ये पेयर्स आपस में इक्वल हैं? बी इक्वल टू 5 है और ए इक्वल टू 0 है. नो, दैट्स नॉट इक्वल. क्योंकि ये तो बी जो फाइव है, फाइव इज़ एम्प्टी सेट है और ए में एक एलिमेंट है चाहे वो जीरो है. सो दैट्स नॉट एम्प्टी सेट. तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी. बी के इक्वल नहीं है तो इक्वल सेट नहीं है. क्या बी सी के इक्वल है? सो बी इज़ आल्सो नॉट इक्वल टू सी. तो बी भी सी के इक्वल नहीं है. यहाँ पे बी नॉट इक्वल टू डी. डी के इक्वल भी नहीं है बी. तो इन दिस वे वी आर फाइंडिंग आउट द रिलेशन बिटवीन वेदर द सेट्स आर इक्वल और नॉट. सो you can also practice these examples.